हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का अपने इस चैनल पे प्रियल मेमोरी रीजनिंग पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ कैलेंडर का। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो एग्जाम में बहुत बार आता है, ध्यान समझिएगा इस चीज को। क्लास नंबर 3 है। अगर आप लोग अभी हमसे जुड़े नहीं आज या फिर आपने अभी तक हमारी क्लासेस नहीं देखी है तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। मात्र 1 मिनट में, 1 मिनट में हम लोग एक कंसेप्ट सीखा करेंगे हर डेली के डेली। डेली सुबह 9 बजे, डेली अर्ली मॉर्निंग 9 AM हमारी ये क्लास चलती है। आप सभी लोग जरूर आया करें, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन है आपका, अगर 23 जुलाई 2007 को मंडे है तो 23 जुलाई 2011 को क्या होगा, यह सवाल आता है आपके एग्जाम में। इसमें ध्यान देने वाली सबसे पहली बात क्या है, 23 से 23 की बात हो रही है। ध्यान देने वाली देखो, पहली चीज बात यह है 23 से 23 तक की बात हो रही है। दूसरी चीज क्या है, गैप जो है 1 साल से ऊपर का है, 1 साल से ऊपर का गैप है, मोर देन 1 ईयर का गैप है आपका। दो चीज देख ली, बस ये दो चीज आपके देखने वाली चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए, शुरुआत करते हैं 2007 से लेकर 2011 तक की। 2007, 8, 9, 10, 11, 7 से 11 तक हम जाएंगे। अब हमें बात क्या करनी है, दो ही चीजों की। हमारा जो भी कंसेप्ट आता है कैलेंडर के अंदर, वो दो ही कंसेप्ट होता है, या तो 28 फरवरी वाला या फिर 29 फरवरी वाला। इसके अलावा कोई नई चीज नहीं है 28 से 29 फरवरी के अलावा। अब देखो, 2007 की बात करें, 2007 में हमने शुरुआत कहां से करी है, जुलाई से। 2007 की हम जुलाई से बात करिए, मतलब 2007 में फरवरी आया ही नहीं, फरवरी निकल चुका था। फरवरी निकलने के बाद हमने बात की, जुलाई से हमने शुरुआत करी है, तो फरवरी आया नहीं तो हम इसको काउंट भी नहीं करेंगे, जीरो हुआ। 2008 एक लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है, फरवरी इसमें 28 दिनों की होगी तो इसमें 2 लेंगे। 2009 एक साधारण साल है तो इसमें फरवरी जो आएगी 28 दिनों की आएगी, 1 लेंगे। 2010 भी साधारण वर्ष है, इसमें 1 आएगा। 2011, 2011 में हम लोग जुलाई तक गए हैं। जुलाई तक जाने का मतलब क्या है कि जुलाई तक गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि फरवरी आ चुकी है, फेब आ चुकी है, ठीक है, फेब आ चुकी है, तो मतलब हम इसको भी ऐड करेंगे और प्लस का 1 करेंगे। तो 2, 3, 4, 5 कितना आया, प्लस का 5। अब इस प्लस 5 को क्या करेंगे, इस मंडे में प्लस 5 को ऐड कीजिएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, प्लस 5 ऐड करके आ जाएगा मंडे में। ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे आपका आंसर आ जाएगा, सैटरडे आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम, जब हमारे पास आगे से पीछे से हम आगे जाते हैं तो हम किस प्रकार से करते हैं, तो ये आपको समझ में आएगा, ये सवाल है आपको, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लास यूजफुल रहा करेगी। अब आप लोग क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से 5 सवाल लगा लीजिए, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मेनली यहाँ पे 2 ही बातें थी, 28 फरवरी की और 29 फरवरी की, ठीक है। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे ऑफ करेंगे। इसी प्रकार से रेगुलरली मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेके आऊंगी, एक ही क्वेश्चन कराऊंगी एक नए कंसेप्ट के साथ, और आपका काम क्या होगा, उस कंसेप्ट पे आपको और क्वेश्चन लगाना। कल मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर ये टाइम उल्टा हो जाए, आज हमने क्या सीखा, सीधा वाला, अगर इसी चीज को अगर हम उल्टा करेंगे, बैक ईयर का, बैक डेट का कंसेप्ट कल हम सीखेंगे कि अगर बैक डेट आती है तो हम क्या करते हैं, वो वाला कंसेप्ट हम कल देखेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में 1 मिनट 1 कंसेप्ट में। टेक केयर, बाय बाय।